वैसे के 47 यहाँ पे लग रहा है अभी गाड़ी पे, कमेंट करके जरूर बताना गाइस कैसा लगा। तो गाइस लीची लिए अभी, और इधर बच्चा लोग सब बेच रहा है लीची। तो गाइस चलते हैं अभी, लीची उची खाते हैं थोड़ा, और ये लीची लिए यहाँ से। तो गाइस अभी रुके हैं यहाँ पे, और एक नीम का जूस का दुकान था। तो गाइस अपना खाना आ चुका, बहुत सारा ये आइटम है आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे चावल, सब्जी, साग, भुजिया, चोखा, नीम पे का जूस पीने के लिए रुके हैं। तो यहाँ पे एक चचा जो जूस निकाल रही। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करण ट्रक ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का बज चुका है 7, और अभी हम लोग आ चुके हैं। तो कल के ब्लॉग में जैसा देखे कि हम लोग निकल चुके थे लोडिंग करके, तो अभी हम लोग है आपका पुराना दिल्ली रोड में। तो अभी फ्रेश फ्रेश हो लिए, सोए हुए थे यहीं पर। तो अभी निकलते हैं गाइस, और इधर का मौसम दिखाता हूँ। और कल आमफान तूफान आने वाला है इधर पे, इधर का कुछ वेदर कुछ अलग ही होके अभी से ही यही पेट्रोल पम्प में रुके थे। और यहाँ का लोकेशन चेक कर सकते हो गाइस, पूरा ही मौसम बारिश वाला हुआ है। पता नहीं आज या आज शाम तक कुछ आंधी तूफान ऐसा करके कुछ आ ही जाएगा। तो चलते हैं, गाड़ी वगैरह लेते हैं स्टार्ट, और निकलते हैं यहाँ से आगे कहीं चाय वाय पीते हैं, क्योंकि चाय का दुकान है यहाँ पे देखे नहीं अभी तक फिलहाल। तो गाइस निकलता हूँ यहाँ से अभी मैं, अपना चाय वाय का दुकान देखते हैं आगे कहीं। चाय आ गया है, सुबह सुबह का चाय और बिस्किट लिए हैं। तो अभी चलते हैं चाय और बिस्किट खाते हैं यहाँ पे। और अपना गाड़ी इधर पे पार्किंग किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इधर पे लगा हुआ गाड़ी अपना, ये आप लोग को दिख रहा होगा गाड़ी। और यहाँ का लोकेशन चेक करो गाइस, पूरा ही ग्राम साइड एरिया है, पूरा ही ग्रीनरी है, और इधर आम का बगीचा है सामने में। तो चलते हैं अभी चाय बिस्किट अपना जो भी है खाते हैं, खाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। रेल गेट है, और रेल गेट का जाम लगा हुआ है यहाँ पे। और ये गाइस चेक कर सकते हो, ये पूरा ये आलू का खेती है, बहुत ही पूरा दूर दूर तक जो भी दिख रहा है सब आलू का ही खेत है। ट्रेन आ रहा है उधर से, वो चेक करना गाइस, ट्रेन जा रहा है, क्रॉस होगा उसके बाद रेल गेट खुलेगा। लोकेशन चेक करना गाइस, पूरा नदी वाला पुल अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और दोनों साइड देख सकते हो नदी वाला पुल है पूरा। और अभी हल्का फुल्का जाम लगा हुआ है, तो जाम चल रहा है अभी फिलहाल। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस अभी उठ चुके हैं कृष्णा नगर 4 लाइन पे, और अभी हम लोग है बहादुरगंज में। और ये गाइस ये है बहादुरगंज का जंगल, जो पहले ब्लॉग में भी मैं दिखा चुका हूँ, बहादुरगंज का जंगल। अभी चल रहे कंटिन्यू, आगे होटल में रुकेंगे, और टाइम हो चुका है अभी 10 बजने वाला है। तो 10 बजने वाला है, तो भूख भी लग रहा है, तो होटल में रुक के कुछ खाना वाना जो भी होगा खा लेंगे अभी एक ही बार, क्योंकि अपने पास तो खाना बनाने का सिलेंडर है। अभी बर्तन वर्तन खरीदे नहीं है, बर्तन वर्तन खरीदेंगे उसके बाद खाना बनाने का जो भी सिस्टम होगा कर किया जाएगा। और ये फूल देख सकते हो गाइस, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये गाइस बेरियल, पूरा। तो चलते हैं होटल में, और अपना खाना वाना जो भी है खाते हैं, उस साइड में होटल है। गाइस अपना खाना आ चुका है, बहुत सारा ये आइटम है आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे चावल, सब्जी, साग, भुजिया, चोखा, प्याज, सलाद, नींबू, दाल, तो बहुत ही आइटम है। तो चलते हैं गाइस खाते हैं अभी। स्टार्टिंग करते हैं दाल, ये
सब रूम है, सब रूम है, बड़ा मस्त है, बड़ा 500 की है। गाइस पापड़ मिला है तो गाइस चलने लगे अभी यहाँ से, अपना खाना पीना खा के जो भी था। हवा बहुत ही मस्त चल रहा है गाइस, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था यहीं पे सो जाए, लेकिन नर्सरी का माल है अपना तो अपना सफ़र भी काटना ज़रूरी है। अभी चल रहा है कंटिन्यू, एक ओवर ब्रिज आया, ब्रिज को डाउन कर रहे हैं अभी यहाँ पे। और ये गाइस इधर पे जंगल है पूरा, व्यू चेक करके जरूर कमेंट करना गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है। छोटा-छोटा दुकान शायद बन रहा है अभी, पहले तो था और भी है और बन भी रहा है कुछ कुछ दुकान। ये गाइस ये पूरा जंगल वाला एरिया है, देख सकते हो आप लोग। वो छोटा छोटा दुकान है इधर पे, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हमारे चैनल पे ट्रक से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। तो गाइस अभी ट्रक से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा, नया नया अपडेट मिलता रहेगा, तो गाइस चैनल को फुल सपोर्ट करो गाइस। गाइस अभी रुके हैं यहाँ पे, और एक नीक का जूस का दुकान था तो यहीं पे ईंक का जूस पीने के लिए रुके हैं। तो यहाँ पे एक चशा जो जूस निकाल रहे हैं ईंक का, गिलास है गिलास कवर। आ चुके अपना ईंक का जूस। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अभी बरहमपुर बाईपास पे, और ब्रह्मपुर बाईपास में चल रहे हैं अभी। गाइस चल रहा है अभी कंटिन्यू, और यहाँ का लोकेशन गाइस चेक कर सकते हो, ये बरहमपुर बाईपास का लोकेशन है। मैक्सिमम नहीं करके तो 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर का ऐसा करके बाईपास बनाया हुआ है। पहले सिटी होके जाता था तो अभी फिलहाल बाईपास बना दिया है यहाँ पे। और इधर पूरा ही खेती है, आप लोग देख सकते हो उधर पूरा ही खेत है, सब्जी वब्जी का खेत होता है ज़्यादा, और ज़्यादातर सब्जी ही जाता है। जो हम लोग भी कभी इधर आते हैं बरहमपुर आते हैं तो अगर डाउनिंग का माल लेने का होता है तो इधर ही से हम लोग सब्जी वब्जी या कुछ भी ऐसा करके लोड कर लेते हैं। तो अभी चढ़ रहे भाई हम लोग ब्रिज पे,
ये गाइस कच्चा माल भरा हुआ है, इसमें केला, और ये गाइस एक नदी आ गया। नदी में देखिए एक छोटा सा नाव चल रहा है, शायद मछली वछली है, जाल बिछा रहा है, वो दिख रहा है यहाँ से। गाइस केला का बगीचा है नीचे, पूरा केला वेला का बगीचा, यही सब देखने को मिल रहा है इधर पे। गाइस पहुंचने वाले अभी धुलियान आयरन ब्रिज के पास, और इधर का लोकेशन चेक करो गाइस, उधर गाय सब है, घास खा रहा है, पूरा ही गाय भरा हुआ है। और लोकेशन चेक करो गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इधर भी खाली जगह है। मौसम भी बहुत, वेदर भी बहुत अच्छा हो गया। गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं आयरन ब्रिज पे, जो धुलियान का आयरन ब्रिज है। और वो गाइस आयरन ब्रिज आने वाला है अभी, इस कच्चे माल वाला गाड़ी जा रहा है, पता नहीं क्या लोड है, शायद केला, नहीं केला नहीं है, बोड़ा, बस बोड़ा में मिर्ची उर्ची ऐसा कुछ, मिर्ची मिर्ची तो जूट का बोड़ा पे लोड नहीं रहेगा, मालूम नहीं क्या है, हो सके कोई सब्जी होगा, भिंडी पटल वटल ऐसा कुछ करके। तो ये गाइस आयरन ब्रिज हम लोग पार हो रहे हैं अभी, गाइस आयरन ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ पे लग रहा है अभी गाड़ी पे, कमेंट करके जरूर बताना गाइस कैसा लगा।
गाइस लीची लिए अभी, और इधर बच्चा लोग सब बेच रहा है लीची। तो गाइस चलते हैं अभी, लीची वीची खाते हैं थोड़ा, और ये लीची लिए है यहाँ से। जैसा कि देखिए आप लोग, गाइस हम लोग लीची लिए है, देख सकते हैं। चलेंगे अभी आगे कहीं रुकेंगे, मालदा पार्किंग वार्किंग में वहाँ पे बैठ के आराम से खाएंगे मालदा पार्किंग में। और अभी फरक्का पार हो चुका है, आगे कालिया चौक आने वाला है। इधर का लोकेशन मैं दिखाता हूँ गाइस आप लोग को, आप लोग चेक करना। बहुत ही ज्यादा धूप निकला हुआ है। तो गाइस शाम का बज चुका है 6, और अभी पहुंचने वाला है मालदा पार्किंग में। तो आगे मांगने वाला है मालदा पार्किंग, और ये एक बड़ा सा फैक्ट्री है गाइस इधर पे। इसको पार करके आगे जाके लेफ्ट साइड में मालदा पार्किंग है। तो चलते हैं, अपना नहाना धोना जो भी है वहां पे होगा, उसके बाद वहां से निकलेंगे। अपना सफर कुछ ज्यादा नहीं रह गया, 150-200 किलोमीटर का आसपास सफ़र रह गया है। तो नहाने धोने के बाद उसके बाद अपना सफ़र काटेंगे आगे फिर। तो गाइस आ गए अपना मालदा पार्किंग, चलते हैं मालदा पार्किंग में। और ये गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मालदा पार्किंग है। तो गाड़ी उड़ी भी हल्का पानी वानी मार के धो देंगे, और उसके बाद में फिर अपना जगह नहीं है वहां पे। गाइस अपना नहाना धोना जो भी था हो गया, गाड़ी वाड़ी भी धो दिए और धो के निकल चुके हैं अभी। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं गाजोल, मालदा से निकल चुके थे और अभी पहुंच चुके हैं गाजोल में, और अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो गाइस अपना माल है आपका, किशनगंज से 25 किलोमीटर जाना है वहाँ का, क्या गंज ऐसा करके कुछ नाम है। तो वहाँ का अपना माल है, तो अभी चल रहे कंटिन्यू। तो पार्टी वाले बोल रहे थे 10 बजे आओगे तो कर दूंगा, या 10 बजे आओगे तो गाड़ी लगवा दूंगा पॉइंट पे। तो खाली तो सुबह ही होगा, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अगर 10 बजे तक पहुंच जाएंगे तो अपना पॉइंट पे गाड़ी लग जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं अभी क्या बनता है अपना। अभी बज चुका रात का 3 बज रहा है। तो गाइस पार्टी वाला जो लोकेशन दिया था उस लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को करूँगा यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे ट्रक से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। तो गाइस मिलता हूँ एक